दोस्तों, नजर इंडिया न्यूज में इस्तकबाल है आपका और हम इस वक्त मौजूद है जुबली पार्क गार्डन में, जो कि देवरी पाड़ा पर है। एक बेहतरीन मिसाल मिल रही है यहाँ पे। लोग जो कह रहे हैं खाने की किल्लत है, इन लोगों ने जुबली पार्क में, यहाँ के जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं, इन्होंने ने मिलजुल कर, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, इन लोगों ने मिल के सोसाइटी में ही खाना पकाने का इंतजाम किया है और बेहतरीन इंतजाम हो रहा है यहाँ पे। इन लोगों का कहना है कि खाने की कभी किल्लत नहीं हुई यहाँ पे, और जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो बिल्डिंग में घूम घूम के सारे आस पड़ोस के लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और ऐसा हो रहा है कि आसपास की बिल्डिंगों में भी मदद हो रही है। इसके अलावा खुद कोई खाने की किल्लत नहीं है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, क्योंकि ये बेहतरीन मिसाल है हमारी तरफ से। हमने सोचा कि जो परेशानी हो रही है तो एकता बनाए, आस पड़ोस से मिलजुल के रहने का आपको मौका मिला। जी, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मुश्ताक खत्री है। जी मुश्ताक भाई, किस तरह से कर रहे हैं आप लोग ये ये मिलजुल हम के? लोग आपस में समझो बिल्डिंग से ही कलेक्शन कर रहे हैं, जो जिसको देता है, कोई एक गिलास चावल देता है, जो भी जिसकी हसियत होती है करते हैं, सब मिलजुल कर करते हैं। और जो इन लोगों को नहीं पहुंचा है खाना, उन लोगों तक हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचा सके। हम लोग हमारी जितनी कैपेसिटी है हम लोग उतना करते हैं। इसके अलावा और दूसरों की भी मदद आती है, हेल्प आती है, खुद से आते हैं, बोलते भाई हमारी तरफ से कर दो, तो हम उनका भी करते हैं और तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने घर हैं आपकी बिल्डिंग में? टोटल कितने घर होंगे? यहाँ टोटल 100 है, 100 घर। 100 कितनी घर है विंग्स है बिल्डिंग में, जुबली पार्क में? जी जुबली पार्क में। टोटल 19 बिल्डिंग है। 19 बिल्डिंग के अंदर समझो 60 घर तो पकड़ लो आप, 60 घर तो होंगे एक आध बिल्डिंग में, 60, 50, 100 ऐसे घर। तो सभी घरों पे पहुंच रहे हैं या सिर्फ जरूरतमंदों नहीं को नहीं पहुंच रहे सिर्फ हैं? जरूरतमंदों को, उन लोगों को कहा जाता है, अगर अल्लाह ने आप लोगों को दिया है, आपको नवाजा है, तो मेहरबानी करके मत लो, क्योंकि ये किसी गरीब का आके अगर आप 4 पैकेट लोगे तो वो 4 पैकेट किसी और गरीब को काम आ सकते हैं। तो उन लोग भी सामने से बोलते हैं, नहीं भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए और किसी को, तो वो पैकेट और कितने किसी, कितने पैकेट बना लेते हैं अंदाजन में? लगभग समझ लो 250 से 300 पैकेट होते हैं, हो जाते जितनी हैं हमारी कैपेसिटी, जितनी पब्लिक का कलेक्शन आता है उतना, वो हिसाब से हम मतलब लोग यहाँ पैकेट पर जो करते मतलब हैं। अच्छे जो दौलतमंद घर के साहब इस्तेदात लोग हैं, वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं बिल्डिंग से ही नहीं बिल्डिंग यहाँ हम कलेक्शन हो लोग रहा है? वही मैं बिल्डिंग वाइज बिल्डिंग ही की। कलेक्शन करते हैं। अभी तक सिर्फ 2 बिल्डिंग से हम लोग ने कलेक्शन किया, फिर एक इंसान और आया हमारी तरफ चल के कि भाई आप लोग इतना बनाते करते हो, इस बार देख मेरी तरफ से चढ़ाओ, तो उन लोग आके करते तो हम लोग उनका भी कर देते, वो पूरा कर देते। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे पास ये पक रहा है, कल का ऑलरेडी हमारे पास इंतजाम भी है, यानी लोग बढ़ चढ़ के हमारे पास आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, हमारे को जाना बहुत कम पड़ रहा है। हाँ अगर कुछ कम पड़ गया तो फिर हम लोग बिल्डिंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेते हैं और वहां से फिर अपना चलाते हैं। मुश्ताक भाई, जिस तरह से देख रहे हैं मुमरा के अलग अलग इलाकों में हम लोग घूम रहे हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं, वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि आसपास भी आप लोग पहुँचा देते हैं खाना, लेकिन जो लोगों में एक तरह से ये शिकायत देखने को मिल रही है, बांटने वालों को भी शिकायत है कि लोग डबल डबल खाना ले रहे हैं, वेस्ट कर दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अब उनका क्या कर, मैं तो एक ही उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ऐसा ना करें कि आपकी वजह से कोई गरीब दूसरा भूखा रह जाए। ये मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको अल्लाह पाक ने दिया है, आप लोगों के पास है, तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो कि और मैं 2 लोगों को भूखा नहीं रहने दूं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। पहले है हमारे इस्लाम में कि अपने पड़ोसी को देखो, इसके बाद आगे करो, तो हम लोग भी हमारे पहले पड़ोस में देखते हैं, इसके बाद आगे और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जिस तरह से ये पूरी बिल्डिंग के ये साथ ये में सब जो मिलजुल यहाँ के रहे हैं, हम लोग पहुंचा बच्चे रहे हैं, हैं, भाई है, बड़े ये बड़े सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं इस काम में, आपकी मदद कर रहे हैं ये सब। ये सब इन ये लोगों का ही है, हाँ ये सोच इन लोगों की है, ये हाँ छोटे यंग जनरेशन है। अभी यंग हमारी तो उम्र हो गई, जनरेशन हमारी तो खत्म हो गई, लेकिन अब ये यंग जनरेशन है, इन लोगों की सोच है, तो इन लोगों को हिम्मत दे के, बढ़ावा दे के आगे बढ़ा रहे, ताकि और मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, दिन भर आप मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाहर हाँ नहीं जाते आप? नहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा, क्या कहेंगे 15 दिन या 14 दिन या बड़े नहीं बड़े लॉकडाउन, उसकी बात नहीं है, जो लोग बाहर घूम रहे हैं, पुलिस की मार खा रहे हैं, की मार खाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। पुलिस की मार खा रहे हो, भाग रहे हो देख देख के, उनको भी गुस्सा आ रहा है। इससे जरूरत है अपने अपने घर में रहो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। सोसाइटी में जिस तरह आप लोग कर रहे हैं वैसी मदद करें एक दूसरे की। एक दूसरे की मदद करो, लोगों को खाना पहुंचाओ, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। ये तो यहाँ से मैंने करना चालू किया, मेरे साथ में करो। फालतू घूमने से अच्छा अपने एरिया को संभालो, लोगों को खाना दो, जो गरीब जरूरतमंद है उनको खाना पहुंचाओ, बस ये मेरी बात। तो दोस्तों, जुबली पार्क की ये सोसाइटी की हमें एकता एक देखने मिली है, एक अच्छी मिसाल देखने को मिली है, जहाँ परेशानी हो रही है इस वक्त लॉकडाउन के शायद 14 या 15 दिन जितने भी बाकी हैं,
तो जो लोग परेशान हैं आजकल, ये बात देखने में गई है कि आपसी झगड़े आपसी लड़ाई इतनी हो गई पड़ोसियों में कि इस लॉकडाउन के मौसम में भी वो लोग एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे हैं। तो ये मौका दिया है हमें इस लॉकडाउन ने, आप कहिए या खुदा की तरफ से एक मौका मिला है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने का, तो ये बेहतरीन मिसाल कायम कीजिए, क्योंकि पड़ोसियों का हक भी होता है आप पर। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई पड़ोसी मौजूद हो जो जिन्होंने खाना नहीं खाया या जिनके घर में अब तक खाने का इंतजाम नहीं है, तो कोशिश कीजिए अगर आपकी हैसियत है तो उनकी मदद कर दीजिए, या आपके पास कहीं से आया है एक्स्ट्रा है तो उन्हें दे दीजिए।